नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। शाहजहांपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में गोली लगने से 3 बदमाश घायल हुए हैं। एनकाउंटर में बदमाशों की फायरिंग से 1 दरोगा बाल बाल बचा है। फिलहाल घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 4 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर गौकशी की सूचना के बाद हुआ था। फिलहाल पुलिस फरार 2 अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। दरअसल कटरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खैरपुर क्षेत्र के कमलपुर नहर के पास 6 बदमाश गौकशी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जब बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि 1 दूसरे बदमाश को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। बदमाशों की गोली से 1 दरोगा बाल बाल बचा है। बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए 3 बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 4 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपना नाम बारिश, रेहान और अकील बताया है, जबकि पकड़े गए चौथे बदमाश ने अपना नाम आसिफ बताया है। इसके अलावा गौकशी करने का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि इलाके में हुई गौकशी की कई घटनाओं में ये बदमाश शामिल थे। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।